हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय चुनाव आयोग का आभार जताया और कहा कि जल्द ही प्रदेश में बदलाव होगा और भ्रष्टाचार, माफिया राज, भाई भतीजावाद का अंत होगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनावों में भाजपा सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारी बहुमत से प्रदेश में परचम लहराएगी। हम धन्यवादी हैं चुनाव आयोग के कि जो इंतजार हिमाचल की जनता कई दिनों से कर रही थी वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। झूठी घोषणाओं की सरकार के जाने का वक्त आ गया। इस घोषणा के साथ ही संदेश बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में अब बदलाव होगा। सत्ता का माफिया राज खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के भी अंत होगा। संयोग से चुनाव की तिथि भी घोषित हो गई है। 9 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 18 दिसंबर को गिनती होगी और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी और रिकॉर्ड सीटें जीतकर इस बार एक लोकप्रिय सरकार प्रदेश में बनाएगी। चुनावों में भाजपा के मुद्दों पर धूमल ने कहा कि इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, माफिया राज, प्रदेश में कर्ज का बोझ, गुड़िया हत्याकांड के अलावा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है प्रदेश में, दूसरा माफिया राज का, तीसरा महिलाओं के विरुद्ध किया जा रहे दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्याएं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई और प्रदेश पर बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ, बिना बजट, बिना प्रावधान, बिना DPR बनाए बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास केवल फट्टे लगाकर किया गया है, जो इलेक्शन की हवा के साथ सब फट्टे उड़ जाएंगे और असली धरातल कांग्रेस को हिमाचल की जनता दिखाएगी। वहीं भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा पर धूमल ने कहा कि पिछले कल की बैठक में एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब बदली परिस्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश भाजपा जल्द ही बैठक बुलाकर उम्मीदवार फाइनल कर देगी, जिसकी घोषणा पार्टी हाईकमान करेगी। हाँ, निश्चित तौर पर अब बदली हुई परिस्थितियों में शायद अध्यक्ष जल्दी मीटिंग बुलाएंगे प्रदेश चुनाव समिति की और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम निर्णय होगा।